सीजन एक यंगस्टर को यही हमेशा उसका ख्वाब रहता है कि अच्छी शुरुआत करे कोई भी टीम में आकर। और वो शुरुआत हुई मेरे लाइफ में जब भी हम 2008 और 9 का सीजन जीते। और करियर का भी एंड ऐसे ही होना चाहिए, हाई पे। तो मेरा यही एम था ये साल कि हमें कुछ भी करके रणजी ट्रॉफी जीतना है। यंगस्टर तो सबने ये कहा कि एक इंस्पिरेशन की तरह आप रहे, आज आप सुबह हडल में भी आप काफी इमोशनल रहे जब आपने बात की टीम से कि आपका आखिरी मैच है, तो टीम ने जो सेंड ऑफ दिया है टीम के लिए क्या कहेंगे प्लेयर्स? यंगस्टर्स ने काफी बढ़िया किया, मैन ऑफ द मैच मुशीर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कुटियन, तो बहुत एक बैलेंस टीम लगी है। नहीं बिल्कुल, फर्स्ट तो पहले तो शुक्रिया देना चाहूंगा टीम को, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने सेंड ऑफ दिया मुझे। अजिंक्य रहाणे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमेशा टीम के बारे में सोचते आए अभी तक, और आज भी जब भी मेरा रिटायरमेंट का फेस था लास्ट ओवर मुझे दिया उन्होंने, और एक अच्छा दिखाता है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। बाकी जो यंगर लीडर्स है उनको एक इंस्पिरेशन है अजिंक्य रहाणे, और काफी अच्छा माहौल रहा है हमारा टीम में पूरे सीजन में, और रिजल्ट आपको दिख ही रहा है। हमने फोकस किया था हमारे प्रोसेस पे, हार्ड वर्क पे, और रिजल्ट का सोचा नहीं था लीग फेज में, बट ये नॉकआउट्स था। थोड़ा अच्छे टीम्स के साथ मैचेस थे हमारे, सभी जनों का कंट्रीब्यूशन रहा है, बॉलिंग, बैटिंग, इवन सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ का कंट्रीब्यूशन काफी इम्पोर्टेंट रहता है, बड़ा सीजन रहता है। जैसे आपने कहा मुशीर खान अंडर 19 टीम से आए हैं, अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, ये लेवल पे भी दिखाया है कि है उनमें दम। और मुंबई टीम इसी के लिए जानी जाती है कि यंगस्टर्स जब भी आते हैं टीम में कैसे अडेप्ट करते हैं ये लेवल पे आके, और मुशीर ने काफी अच्छा अडेप्ट किया। तनुष कोटियन एक टेरिफिक परफॉर्मर रहे हैं 2-3 साल से मुंबई के लिए, गए साल भी उन्होंने अच्छे रन्स किए थे, अच्छे विकेट्स निकाले थे, और मुझे लगता है कि यहाँ से उनको ऊपर ही जाना है, उधर से अभी पीछे देखना ही नहीं है। मुंबई का होम ग्राउंड था, लोग सोच रहे 3 दिन में मैच खत्म, अगर विदर्भ ने अच्छा फाइटबैक दिया है, आज तो पूरा पहला सेशन निकाल दिया उन्होंने, खुद अजिंक्य रहाणे ने तारीफ की उनकी कि मैच वो यहाँ तक लेकर के और इंटरेस्टिंग बनाया उन्होंने, तो विदर्भ के लिए क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, काफी अच्छा खेले वो लोग, 2 टाइम चैंपियन रहे गए 6-7 सालों में, तो उन्होंने दिखाया कि चैंपियन टीम कैसी खेलती है, और चैंपियन के सामने चैंपियन एटीट्यूड से आना जरूरी है, जो उनके कैप्टन ने दिखाया। 5th डे पे भी ग्राइंड करते रहे, 4th डे पे भी हमको इजी नहीं दिया विकेट्स वो लोग के बैट्समैन ने। करुण नायर खेला, उनका कैप्टन वाडकर, अच्छी बैटिंग की उन्होंने, दिखाया कि इजी नहीं होता है। अगर ट्रॉफी चाहिए आपको तो थोड़ा वो प्रेशर सिचुएशन से गुजरना जरूरी होता है, फिर एक ग्राइंड करते रहे वो भी, जैसे मैंने वो वर्ड कहा ये विकेट इजी नहीं थी इतना बैटिंग के लिए, बट उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, एक्सपीरियंस दिखाया, और हमें इजी नहीं दिया। टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि इसके तुरंत बाद आईपीएल खेलने के जाएंगे, तो आईपीएल के लिए उन प्लेयर्स की कितना बड़ा बूस्ट होगा जो यहाँ से जीत के जाएंगे किसी भी टीम में जाएंगे? नहीं बिल्कुल, बट आईपीएल एक डिफरेंट फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट है, बट ये यहाँ का कॉन्फिडेंस जरूर लेके जाएंगे आईपीएल में, क्योंकि अच्छा करते हैं, पूरा सीजन अच्छा गया है। तुषार देशपांडे, शार्दुल, श्रेयस अभी 2 मैच खेला, बट बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उनका भी, बट यहाँ से जो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे उनको रोकना डिफिकल्ट होगा। एक आखिरी क्वेश्चन, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ये आईपीएल हो रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा इंडियन टीम के लिए वहाँ पे बेहतर करना, क्योंकि वर्ल्ड कप जाने से पहले इंडियन टीम के प्लेयर्स जो अलग अलग टीम में खेलेंगे उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा आईपीएल आपको बता दीजिए किस साल का? नहीं अच्छा रहेगा आईपीएल, मैंने जैसे बोला आपको कि अलग अलग टीम से आएंगे प्लेयर्स, बट वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है। अपना जो वनडे वर्ल्ड कप जो हाथ से गया था वो 100% रोहित शर्मा और उनकी टीम लाना चाहेगी।